दीपक। कहाँ से आए? मैं चांदनी चौक पे रहता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। हम ऐसे ये जानने आए हैं कि जैसे अभी इस समय काफ़ी केजरीवाल का भी नाम चल रहा है, मोदी जी का भी नाम चल रहा है, गुजरात में भी इलेक्शन है और 24 में भी इलेक्शन होने वाला है। हाँ बिल्कुल, खड़े रहिए, सबसे बातचीत होगी। तो आपको क्या लगता है कौन ठीक काम कर रहा है दिल्ली में राइट नाउ? तो केजरीवाल की सरकार अच्छी है, काम किया है, स्कूलों के साथ काम किया अच्छा सा, हॉस्पिटलों की अच्छी काम किया रखा है। अब बाकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कुछ ज़्यादा ही उसने जोर दिया है, उसमें पैसा ज़्यादा खर्च हुआ है। पर अगर एजुकेशन के मामले में देखें, इवन बसें देखोगे आप, बसों में महिलाएं जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर रही हैं। हाँ राइट नाउ एक चीज़ मुझे गलत लग रही है कि इलेक्ट्रिसिटी की पहले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही थी 200 यूनिट्स तक, अब राइट नाउ 200 यूनिट पे भी अब उन्होंने पे लेना स्टार्ट कर दिया है। ये थोड़ा सा कुछ अजीब है, वर्ग केजरीवाल ने अच्छा काम। और अगर मोदी जी की बात, मोदी जी सेंटर में ही अच्छे हैं, सेंटर में नेता अच्छे हैं, इवन ग्लोबल लेवल पर भी चेकआउट करते हैं, तो राइट नाउ उस लेवल पर भी शायद नंबर वन। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 2024 में केजरीवाल मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे, आपको ऐसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं पॉसिबल है? लोकप्रियता बढ़ रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है, केजरीवाल दिल्ली तक ही सीमित है। ये कहने की बात है कि पंजाब में उन्होंने अच्छा काम किया है, वहाँ पे इलेक्शन जीते हैं, वहाँ पे काम करेंगे, देन जब नेक्स्ट कंटिन्यू सरकार आती है तभी पता चलता है कि सरकार कैसी है। दिल्ली में बाय डिफॉल्ट अच्छा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ दो राय नहीं है, बाकी सेंटर में उनकी दूर दूर तक कोई ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर में राहुल गांधी को कहाँ आकलन है ही नहीं, कहीं पे भी है ही नहीं भाई वो। आप बताइए, कहीं पे भी नहीं भाई राहुल गांधी तो, कहीं नहीं। कांग्रेस को मिटाने वाला ही राहुल गांधी है, उसी की वजह से कांग्रेस खत्म होती जा रही है। कांग्रेस को दक्षिण से लेके उत्तर तक जोड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं मिटा रहे हैं? जोड़ रहे मान रहा हूँ, बात घूम रहा, लेकिन उसके घूमने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ जो यूथ है उसके लिए कुछ भी नहीं है। केजरीवाल बार बार बयान देते हैं कि मोदी को टक्कर केजरीवाल दे रहे हैं, इस वजह से मोदी जी बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी से तो ज्यादा तो केजरीवाल ही दे रहा है राइट नाउ, जो लोकप्रियता केजरीवाल की उसके हिसाब से राहुल गांधी से है। बयान नहीं देगा तो केजरीवाल अगर केजरीवाल बयान नहीं देगा, इस तरह से कुछ बोलेगा नहीं, तो सुर्खियों में कैसे आएगा बंदा? हर चीज़ की सुर्खियों आने के लिए मतलब, ये तो इलेक्शन को पता ही है, हर कोई बड़ा चढ़ा के बोलता है। लोकसभा इलेक्शन, पंचायत किसी भी इलेक्शन हो, हर कोई बड़ा चढ़ा के बोलता है, और बड़ा चढ़ा के बोलेगा तभी उसको दिखाई देता है कि हाँ मैंने ये में। एक शराब की बहुत चर्चा हुई कि शराब घोटाला हुई, शराब नीति हुई, इसमें भी कुछ शराब का राइट ना? आप देखोगे लास्ट 6 मंथ के अंदर एक पे एक फ्रिया कुछ ऑफर चल रहा था यहाँ पे, और कुछ जो गवर्नमेंट के वाइन शॉप थी वो क्लोज करके और प्राइवेट को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब फिर से वापस हुआ कि प्राइवेट को बंद किया गया और गवर्नमेंट को, अगर प्राइवेट को दिया गया तो धांधली तो करेगा बंदा। अगर तो आप जैसे लोकसभा में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार वापसी करने वाली है लोकसभा? बीजेपी। आप बताइए, बीजेपी आएगी? वही आएगी वही, लेकिन चाहता नहीं, लेकिन आएगी वो, जबरदस्ती आएगी वो। चाहते नहीं। आपका क्या नाम है? मुन्ना कश्यप। एक मुन्ना जी बात करो, मैं भैया से बात करो, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। बोलिए बोलिए। एक मिनट, इसको पहले एक मिनट बंद करो, फिर आपसे बात करूँगा। बोलिए ना कोई। अच्छा, जैसे हम पेंटर हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, हमने एक महीना पहले काम कर लिया, उसके बाद 2 दिन के लिए बुलाया, तो क्या हम चोरी कर लिए? आपसे अंत में बात करते हैं, आपकी कहानी लंबी। आपका क्या नाम? नाम उत्तम सिंह। कहाँ से आ रहे हैं? नोएडा से। हम यहाँ ऐसे पब्लिक थी तो हम लोगों से जानने आ गए थे कि अभी कुछ सालों बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, मोदी जी हैं, केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, क्या लगता है आपको कौन इस समय नंबर वन? नंबर वन तो ये आपके नरेंद्र मोदी, हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री। केजरीवाल? नरेंद्र मोदी। केजरीवाल नहीं? नहीं जी। क्यों? कहीं नहीं जी, क्या कहते हैं, दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बोले कि फ्री में बांट रहे हैं सबको, निकम्मा कामचोर बना दिया गया है। फ्री में बांटना निकम्मा हो गया? और क्या, फ्री में बांटेगा क्यों? फिर कोई कमाने के लिए क्यों जाएगा, हाथ पैर क्यों हिलाएगा कोई भी, क्या कहते हैं? और सरकार जो हम लोगों की GDP कहाँ जाएगी, वो तो सरकार के खजाने से खर्च कर रहे हैं। जब सब चीज़ करते हैं कुछ उनसे कि नहीं होता है, कुछ परसेंट लेना चाहिए, ठीक है आप उनको छूट कर रहे हैं, 10% 20% करिए उन्हें, लेकिन ये नहीं कि टोटल चीज़ फ्री में कर दीजिएगा तो फिर वो शर्त। आप फ्री में बांटने को निकम्मा बनाना कह रहे हैं और केजरीवाल कह रहे हैं ये फ्री मॉडल है, इसी से हम पंजाब जीते हैं, इसी से हम गुजरात जीतेंगे। बेवकूफ बना रहे हैं वो, बेवकूफ बना रहे हैं वो, जो जितना 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 जनता को गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल जी। जनता को जी हाँ, क्या किया है फ्री में, क्या दे रहे हैं? बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। बिजली कहाँ मिल रहा है? किरायेदार को नहीं मिल रहा है ना, वो तो मकान मालिक को फायदा है, बिजनेसमैन को फायदा मिल रहा है, उससे क्या कहते हैं कमर्शियल पे फ्री कर दे आप। अभी ये यहाँ दिल्ली में मतलब कि 1,000 जो मकान है उसमें 1,00,000 पब्लिक रह रही है, तो वो तो मान लीजिए पैसे वालों के लिए फ्री है ना, बेचारे जो
जो मजदूर हैं, गरीब हैं, मान लीजिए यूपी से, बिहार से, कलकत्ता से, आपके और गुजरात की सब स्टेट से जो कमाने के लिए आए हैं, तो उनको क्या बेनिफिट है केजरीवाल से? क्या लगता है आपको कि गुजरात में केजरीवाल की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनना। आप दादाजी बहुत देर तक खड़े थे, अब जा रहे हैं, क्या नाम है? राजेश गुप्ता। कितनी उम्र है? 64 साल। 64 साल के हो गए हैं मोदी जी भी, आप की उम्र के हैं 64-65 के, क्या लगता है कैसा चल रही है सरकार? ठीक चल रही है जी, काम कर रही है सरकार, तो काम कर रही है जी, अपना काम कर रही है सरकार। महंगाई तो बढ़ रही है, वो तो बढ़ेगी जैसे जैसे टाइम लगेगा। केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? ठीक ठीक है जी, ना तो बढ़िया ना घटिया, लेकिन काम कर रहे हैं केजरीवाल, ये है सबसे बड़ा, ये दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली में लोगों को फायदा है उससे। मोदी को टक्कर दे सकते हैं क्या 24? नहीं, टक्कर नहीं दे सकते, ये भी टक्कर नहीं दे सकते। राहुल गांधी से राहुल गांधी पुराने हैं, वो तो हो सकता है टक्कर दे रहे हैं, 19-20 की टक्कर है 19, लेकिन मोदी को टक्कर देना मुश्किल है। अच्छा, मोदी को देना है? मोदी का नाम से काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं मोदी, लोगों को जबान पर मोदी मोदी नाम है जी। महंगाई बड़ी है वो अलग चीज़ है, लेकिन रोशन नाम है मेरा, रोशन। कहाँ से आए? पूर्वांचल, काशी। जिला बताइए। काशी बोलते रहे हैं, बनारस। अच्छा, तो अब तो फिर मोदी में हो गया? मोदी में तो हो गया भाई, वो तो बहुत पहले हो गया था, वो तो परम तो 2014 से ही हो चुका था, अभी और आगे देखना है, अभी तो पूरा जतब। कह रहे हैं मोदी का जलवा बहुत कम ही दिन बचा है। अरे वो हवा पानी है समझे ना, वो देखते हैं बुलबुल्ला देखते हैं, पानी बुलबुल्ला उड़ता ना है, तो बोला बुलबुल्ला वो है, उठ के फिर खत्म हो जाएगा। बुलबुल्ला ही सरकार बना लिया दो जगह, दिल्ली में भी और वहाँ। अरे कावर ने कि आंध्रा में कान राजा समझे ना, तो दिल्ली या वहाँ बना लिया ना, तो वहाँ तो ड्रग्स पूरा भेज रहा है, यहाँ फ्री फ्री के बोल के ना चूना लगा दिया, अब गुजरात में लगा दो, गुजरात उसका नहीं बनने वाला है। हमको नहीं समझ में आता कि फ्री जनता पसंद करती है कि नकारती है, क्योंकि वो फ्री मॉडल को हर जगह स्थापित करना चाहते हैं, और बोले दिल्ली फ्री मॉडल को हम पंजाब ले गए, अब हम गुजरात ले जाएंगे और इसी फ्री मॉडल से हम गुजरात में भी सरकार बनाएंगे। देखिए फ्री मॉडल करना डिपेंड करता है कि फ्री आप करना क्या चाह रहे हैं, जैसे कि यदि आप फ्री सच में करना चाह रहे हैं ना, तो मेरा मानना हर हर किसी के मत अलग अलग होता है। केजरीवाल जी यदि पानी बिजली फ्री दे रहे हैं, अच्छी बातें दे रहे हैं, तो लेकिन यही इसी पैसा को यदि वो इस्तेमाल कर, जैसे कि हमारे समाज में गरीब जो तबके लोग आते हैं उसमें ऊँची भी हैं, ऊँची जाति के भी हैं और नीचे जाति के भी हैं, ऐसा नहीं कि यदि ब्राह्मण है हम भूमिहार हैं, ये नहीं कि हम भूमिहार में सारे लोग हैं जो मतलब खेत वाले हैं, ऐसे भी लोग हैं। तमाम बयान सुनता हूँ लोगों का, अरविंद केजरीवाल का भी, मनीष सिसोदिया का, ये सब कहते हैं कि ईडी की कार्रवाई उनको पर इसीलिए हो रही है, सीबी की कार्रवाई इसीलिए हो रही है सीबीआई की, क्योंकि अब 2024 में केजरीवाल हैं टक्कर में और गुजरात भी मोदी हारने वाले। देखिए बोलने से कुछ नहीं होना कि 97 में लगा था केस चारा घोटाला का, तो उस समय तो मोदी जी थे नहीं, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय फिर मनीष सिसोदिया क्या बोलेंगे? आज कह रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, इससे मोदी परेशान है, जनता क्या कह रही है हम आपसे जानना चाहते हैं। जनता क्या कह रही है? जनता तो त्राही त्राही है, सो देख रहे हैं आप, जनता त्राही त्राही है। भाई साहब सुनिए, आप दिल्ली में रह रहे हैं ना, आप बताइए दिल्ली में पिछले इसको 7 साल हो गया ना, दिल्ली में 7 साल में प्रिंसिपल का जो वैकेंसी है आज तक नहीं निकला है, गणित का अभी पूरा सीट खाली है, फिजिक्स का खाली है, मतलब पूरे स्कूल में पेंटिंग तो कर दिया ये, इसके पास शिक्षक नहीं जुट रहा है, ठीक ना, शिक्षक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, दिल्ली का हर रोड जो शिला जी के टाइम में जो जगजगाता था, आज भी हर रोड वो गड्ढा से भरा हुआ है, हर रोड में एनएच को छोड़ करके जो भी रोड उसके अंडर में आ रही है पूरा बर्बाद हो चुका है। विदेश में छप रहा है दिल्ली का, एड करने से विदेश में वही न्यूज छपता है जो भारत के खिलाफ होता है। अब जो बात करें ना कि न्यूयॉर्क टाइम छप रहा है, वो वही छापेगा यदि भारत का विरोध रहेगा तो वही, जैसे बीबीसी और न्यूयॉर्क है क्या ये पश्चिमी सभ्यता का एक ऐसा पत्रकारिता है जो भारत के खिलाफ एनी टाइम रहा था, आज़ादी से पहले भी आज़ादी के बाद भी, तो ये लोग उसी को पैसा देते हैं जो बीजेपी सरकार या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ रहते हैं, तो केजरीवाल का तो काम ही है झूठ बोलो वोट बटोरो, लेकिन जो जब देश की बात किया जाएगा ना तो केजरीवाल का कोई नहीं, हमारे यहाँ पूर्वांचल में ना इसको लाठी लेकर लताड़ देंगे, हेल जाएगा था। चुनाव लड़े तो थे मोदी के, तका हुआ जीत गया, पता चला ना, ये दिल्ली का हो रहा है पंजाब, ये पूर्वांचल है, अच्छा तक हिला देते हैं, तो केजरीवाल का खेत कम मुड़ी बताइए। केजरीवाल तो कह रहे हैं मोदी जी को हिला दिए हैं गुजरात। अरे बोलने से कहा होगा, इलेक्शन होगा ना, अब रिजल्ट के इंतजार कीजिए, कौन हिलाया कि नहीं लाया जाए, सब एक चोर लुटेरा से भर ले है एमएलए के, इसमें है कौन चोर
लिटेरा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि चोर लिटेरा के ऊपर कार्रवाई इसीलिए हो रही है। कार्रवाई देखिए, कार्रवाई होना ना होना बात की बात है, आपने किया वो तो कोर्ट डिसाइड करे कि वो मनीष सिसोदिया जो भी उसमें मनी का आरोपी है कि नहीं है। लेकिन जब बात आएगी कि भैया बोल रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, कोशिश कीजिए, आपको जनता दिखा देगी सरकार बने के बनाइएगा। जो मनीष सिसोदिया जी हैं यहाँ के दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब सीधा 2024 में मोदी को चुनौती देंगे, प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, सारे गुण हैं। देखिए, बोलने के लिए कहता है ना कि कौवा है जो कान ले कुड़ल जा रहा है, तो बोलने से कहा होगा, डेमोक्रेसी है, बोले जितना बोलना है। जो केजरीवाल जी को आप देखे होंगे, जब इलेक्शन था ना, जब पहली बार आए थे, इतना मोटा फाइल लेके आए थे वो शीला दीक्षित के खिलाफ आए थे ना, तो सारा फाइल कहाँ चला गया, सुहा हो गया ना। तर वो सब है, जब केजरीवाल जी का एक ही काम है पब्लिसिटी करना, पब्लिसिटी के काम रहेगा जीरो, जीरो काम रहेगा ग्राउंड पे। अब मीडिया में दिखाएंगे कि 10 पे काम ने काम कर दिया, कुछ काम नहीं करते हैं वो। चलिए ठीक है, ऑफिस में आपके हिसाब से कौन नंबर वन? मोदी चौधरी में, सुनिए चौधरी 24 में, 2024 में हमारा एक ही का नाम है, हम सपोर्टर हैं भैया आरएसएस के। आरएसएस से लूल्हा रहे, लंगड़ा रहे, बहरा रहे, जिसको सपोर्ट करेगी हम भगवा के वोट देंगे। राहुल गांधी की क्या स्थिति है? राहुल गांधी हमें पैर में आ जाए, राहुल गांधी कोच ऐसा का नाम नाम ले, अच्छा दिख लीजिए ना, अब क्या बोलेंगे, क्या नाम ले? कांग्रेस पार्टी तो है केंद्र में दूसरे नंबर पर, केंद्र में दूसरा है, सही बात है, लेकिन अब रहा कहाँ गांधी जी, कहाँ रहे? अब तो खड़गे साहब आ गए, अब देखते हैं खड़गे साहब क्या करते हैं। हो सकता है वो 5-6 सीट लेके आ जाए, 10 से 15 हो जाएंगे, 10 से 15 हो जाएंगे।